Hello students, today I am going to discuss about how to prepare for exam and how to give exam to get best result. तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर किस तरह से हम एग्ज़ाम की तैयारी करें. एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या? एग्ज़ाम के लिए जो भी आपने पढ़ा है उसमें आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे आए. जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को पहले देखते हो जो आपको नहीं आता है. तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ये करना है कि उन क्वेश्चंस को अभी रीड कर, क्वेश्चन पेपर जैसे हाथ में आया अभी एक आंख बंद करके एक गहरी सी लंबी सांस लेना है, जिससे आपको ऐसा लगे कि रिलैक्स हो आप, और उस बंदे को याद करना है जो आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसको आपसे सबसे ज़्यादा उम्मीद है. वो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके अंकल आंटीज़ हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके लाइफ का वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है जो आपकी खुशी के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओगे. तो स्टूडेंट, जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए, जस्ट क्लोज योर आइज, प्रे फॉर गॉड, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन बी कॉन्फिडेंट and just watch whatever the questions you know. आपको जो जो questions आते हैं सबसे पहले उनको पढ़ो, और उन questions को अभी touch मत करो जो questions आपको नहीं आते हैं. अगर जैसे ही आपने उन questions को read किया और उस पर focus किया, तो जो भी questions आपको आ रहे हैं वो भी questions आप नहीं लिख पाओगे. तो students, सबसे पहले आपको गौर करना है कि जो जो questions आपको आ रहे हैं आप सबसे पहले उनको टच करें, और जैसे ही आप उन क्वेश्चंस को टच करेंगे उसके बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपने थोड़ा मोरा भी अगर दूसरे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा होगा तो डेफिनेटली यू विल समथिंग रिटेन इन दैट क्वेश्चंस. सो डियर स्टूडेंट्स, वेन एवर यू आर गेटिंग टू राइट अ क्वेश्चन पेपर, टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर राइटिंग द पेपर एंड कीप योर माइंड काम, कीप योर माइंड पीस एंड देन स्टार्ट राइटिंग. एज यू स्टार्ट राइटिंग वट एवर द क्वेश्चन यू नो, फर्स्ट राइट दैट. आफ्टर देन अटेंड द क्वेश्चन विच यू डोंट नो. आपको जो नहीं आ रहे हैं उसको भी आप अटेंड करने की कोशिश करें, हो सकता है कुछ मार्क्स आपको मिले उसमें, 100% नहीं बट फ्यू परसेंट आपको जरूर मिलेंगे जो आपको क्वेश्चन नहीं आते, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट. और एग्जाम में अपने आप को 100% कॉन्फिडेंट देने की कोशिश करो. जैसे ही आप 100% कॉन्फिडेंट दोगे, डेफिनेटली यू विल गेट अ सक्सेस. इट्स माई चैलेंज टू यू, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे पहले अपने मन में कॉन्फिडेंट करें कि नो, आई विल गिव द आंसर of all the questions. और डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई की. अगर पूरे साल आपने पढ़ाई की है, आपने मेहनत की है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी. स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक बार आपके टीचर्स ने जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे हैं उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए. जो पूरे साल आपने पढ़ा है एक बार पूरे रिवीजन कर लीजिए, और एग्जाम देने से पहले एक बार माइंड को जरूर इन सारे वीडियोस क्लिप जो आपने पढ़े हैं उसको माइंड में रिप्ले कर दीजिए. यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट इन द एग्जाम्स. स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू अटेन द क्वेश्चंस विच यू डोंट नो, and specially which you know, attend first that questions, and which you don't know, attend those questions as last. And after finalizing questions, as you have submitted your question paper, then take a deep long breath. Okay students, thank you.